चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का। ये लाइन बोल मैं रहा हूँ मगर शब्द चुनाव आयोग के हैं। जी हाँ, पिछले लगभग 2 महीने से चुनाव आयोग की जैसी करतूतें सामने आ रही हैं, उन्हें देखकर किसी भी रूप में ये नहीं कहा जा सकता कि भारत में निष्पक्ष चुनाव हो रहा है। एक से बढ़कर एक नए नए कारनामे भारत का निर्वाचन आयोग और इसके 3-3 निर्वाचन आयुक्त एकदम बढ़िया वाली विदेशी मॉडल कोट और टाई पहनकर भारत में लगातार करते जा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा चिंता की बात यह है कि लगातार चारों तरफ से सवाल उठने के बावजूद इन्होंने बेशर्मी की सारी पराकाष्ठाओं को पार कर दिया है। कोई असर ही नहीं होता। आप बोलते रहिए, लिखते रहिए, चिल्लाते रहिए। गांव में नदी नालों के आसपास, नहरों के आसपास एक विशेष पौधा निकल आता है जिसके बारे में कहा जाता है कि आप उसे चाहे जितना काट दीजिए वो फिर से निकल आएगा। आम भाषा में उसे बेहया का पेड़ कहते हैं। आज की तारीख में भारत का निर्वाचन आयोग पूरी तरह से बेहया का पेड़ हो गया है। निष्पक्षता, कर्मठता, ईमानदारी तो भूल जाइए, बेहयाई, बेशर्मी और निकृष्टता की कोई सीमा नहीं है जिसको इसने छू न लिया हो। आप में से जिन लोगों को ये लग रहा हो कि अभी जो शब्द मैं भारतीय निर्वाचन आयोग के लिए प्रयोग कर रहा हूँ वो ज्यादा कठोर है, तो शायद आप अभी भी मुगालते में जी रहे हैं। भारत के वर्तमान चुनाव आयोग के लिए इससे ज्यादा कठोर शब्द मेरे पास नहीं थे, वरना उनका प्रयोग करता और शायद वो भी हल्के पड़ जाते निर्वाचन आयोग की गंदी हरकतों और लथेरई को देखकर। आज एक बार फिर से कम 5 बेहद गंभीर मामले सामने आए हैं जो लोकतंत्र की ऐसी की तैसी करने का प्रमाण दे रहे हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि सुप्रीम कोर्ट के प्रखर अधिवक्ता के साथ भी निर्वाचन आयोग का सिस्टम किस तरीके से धोखा कर दिया है। और फिर महमूद प्राचा जैसे एडवोकेट को भागकर सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाना पड़ा है। क्यों गए हैं पूरी कहानी बताएंगे। इसके साथ ही 5वें चरण के चुनाव के बाद भी निर्वाचन आयोग ने एक बार फिर से अपने पुराने कारनामों को दोहराया है, नहीं बता रहा है कि मतदाताओं की संख्या क्या थी। उधर भारत के ही पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी ने वर्तमान निर्वाचन आयोग का कच्चा चिट्ठा ही खोल दिया है और सारे बहानों का पर्दाफाश कर दिया है, जिसके बाद से सवाल उठ रहा है कि क्या भारत का वर्तमान निर्वाचन आयोग और इसके तमाम अधिकारी भारत के 140 करोड़ जनता से झूठ बोल रहे हैं, और यदि बोल रहे हैं तो किसके इशारे पर, कौन झूठ बोलवा रहा है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने क्या कहा है बेहद आसान भाषा में आपको बताएंगे। इतना ही नहीं, मतदाताओं के आंकड़े को लेकर एक और RTI लगाई गई थी जिसके जवाब में चुनाव आयोग ने ऐसी बात कह दी है जो सीधे सीधे आप जनता के गाल पर जबरदस्त तमाचा है। चुनाव आयोग का यह जवाब सीधे सीधे कह रहा है कि उसकी नजर में इस देश की जनता की कोई औकात नहीं है। उधर चुनावी ड्यूटी से सैकड़ों की संख्या में बिहार में अधिकारी गायब हो गए। कलकत्ता हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को जबरदस्त फटकार लगाई। इसके साथ ही गृहमंत्री अमित शाह का एक नया कारनामा सामने आ गया है जो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की सह पर हो रहा है, होता हुआ दिख रहा है। हालांकि ये कह पाना मुश्किल है कि कौन किसके सह पर चल रहा है। उधर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने चुनावी ड्यूटी कर रहे अधिकारियों को चेतावनी दी है, और बड़ी गंभीर चेतावनी दी है। आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि एक नागरिक के रूप में पूरे पूरे वीडियो को इत्मीनान से देखिए, गंभीरता से सोचिए कि आपके सबसे बड़े नागरिक अधिकारों के साथ इस देश का चुनाव आयोग क्या कर रहा है। हर एक पहलू को बेहद आसान भाषा में आपके सामने रखने जा रहा हूं। 2024 के चुनाव में ऐसा मोड़ भी आएगा ये किसी ने सोचा नहीं था। हाँ, आशंका जरूर थी और आशंका तो अभी भी है, और भी बहुत कुछ बड़ा होने की आशंका है, मगर फिलहाल जो हुआ है उसी पर बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिए। YouTube पर सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा टन से। हर एक वीडियो को लाइक करना बहुत जरूरी होता है। YouTube कहता है कि जब दर्शक आपके वीडियो को लाइक करेंगे तभी हम उसको आगे बढ़ाएंगे, बाकी फैसला आपके हाथ में है। इसके अलावा यदि हो सके तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें, क्योंकि हमारे पास न तो टेम्पो भर के पैसा आता है सेठ का, न ही इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा है, न रामदेव की कंपनी का प्रचार आता है, सरकारी विज्ञापन तो छोड़ ही दीजिए। सोचिए, यदि आज देश में मीडिया जिंदा होता, देश का मीडिया गोदी मीडिया नहीं बना होता, तो क्या चुनाव आयोग इस तरीके से गुंडई कर पाता? क्या भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी तथा उनके तमाम लोग सरेआम लोकतंत्र की हत्या कर पाते? जब देश का मीडिया चुनावी आचार संहिता को लेकर सवाल करता तो क्या नरेंद्र मोदी की इतनी हिम्मत हो पाती कि वो सरेआम देश के करोड़ों आबादी वाले मुसलमानों को घुसपैठिया बता दे? क्या वो सरेआम देश के हिंदुओं को मंदिर के नाम पर डरा पाते? क्या वो किसी भी रूप में मंदिर पर बुलडोजर चलाने और ताला लगाने जैसी बकवास बातें करने की हिमाकत कर पाते? ये सारी चीजें संभव नहीं हो पाती यदि इस देश में मीडिया होता और गोदी मीडिया नहीं होता, उसके लपड़झंडिस नहीं होते। वैसे तो पिछले 10 साल में तमाम संवैधानिक संस्थाओं के लटकासन के बहुत सारे प्रमाण हमारे सामने आए। लटकासन यानी जब संस्थाएं सत्ता के सामने लटक जाएं,
अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों को भूलकर नेताओं के लिए यस मैन बन जाए। 10 साल में इसके तमाम प्रमाण देखने को मिले, मगर अब 10 साल पूरा होते होते जिस एक संस्था से सबसे ज्यादा उम्मीद देश की जनता करती है, वो संस्था इस कदर मोदीमय हो गई है, हो जाएगी, इस कदर भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर काम करने लगेगी और देश के 140 करोड़ जनता को लात मारकर किनारे कर देगी, कम से कम इतनी उम्मीद तो किसी ने भी नहीं की थी, हमने भी नहीं की थी। ये जरूर लगता था कि भीतर ही भीतर बहुत कुछ किया जा सकता है, मगर खुला खेल फरूखाबादी होगा ये नहीं सोचा था। अब मैं पूरी कहानी को एक साथ मिलाकर स्टेप बाय स्टेप आपको बताने जा रहा हूँ। दिल और दिमाग मेरे साथ जोड़ लीजिए, बीच में कोई खटपट नहीं चलेगी। साल 2019 के लोकसभा चुनाव तक हर एक चरण के मतदान समापन के बाद चुनाव आयोग पहले अनुमानित आंकड़ा देता था और इसके कुछ ही घंटों के भीतर फाइनल वोटर टर्नआउट यानी कुल कितना मतदान हुआ, वोटरों की संख्या कितनी थी, ये सारा आंकड़ा जनता के सामने रख दिया जाता था। मगर 19 अप्रैल 2024 को पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ और इसके 11 दिन बाद चुनाव आयोग ने पहले चरण का डाटा सामने रखा और इसमें चौंकाने वाली बात ये निकल कर आई कि जो काम अब तक कुछ घंटों में हो जाया करता था, उसके लिए ऐतिहासिक रूप से चुनाव आयोग ने भारत में पहली बार 11 दिन से भी अधिक का समय लिया, वो भी तब जब चारों तरफ से हो हल्ला होने लगा। इसके बावजूद उसने एब्सोल्यूट नंबर नहीं दिया यानी संख्या नहीं बताई, प्रतिशत में आंकड़े देना शुरू किया। यहां एक बात और चौंकाने वाली है कि अभूतपूर्व तरीके से प्रतिशत के आंकड़े में 5.75 यानी 0.6% वोट बढ़ गए। अब सोचिए कि आधा प्रतिशत वोट भी इधर से उधर हो जाए तो सीटों में कितना अंतर हो जाता है, जबकि यहाँ 0.6% का बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से संदेह और गहरा होता है। एक दिन का समय लगाना यानी 24 घंटे में अब तक जो काम हो रहा था उसको करने में पहली बार जानकारों के मुताबिक ऐतिहासिक रूप से 11 दिन का समय लिया गया और फिर 0.6% की वोटों की बढ़ोतरी। तीसरा ये कि सीधे सीधे संख्या नहीं बताई गई, प्रतिशत में बताया गया कि 66.5 इतना इतना प्रतिशत वोटिंग हुई है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि मतदाताओं का आंकड़ा पाने के लिए पत्रकार पूनम अग्रवाल ने चुनाव आयोग के पास RTI लगाई तो चुनाव आयोग ने जवाब दिया कि हमारे पास आंकड़ा है ही नहीं, आपको यदि नंबर चाहिए, आंकड़े चाहिए तो अलग अलग राज्यों के मुख्य अधिकारियों के पास अलग अलग RTI लगाकर आंकड़ा जुटा लीजिए। अब जरा सोचिए यदि इस देश के आम जनता और पत्रकार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अलग अलग RTI लगाएंगे तो फिर उसका जवाब कितने महीने में पाएंगे और फिर चुनाव रिजल्ट घोषित होने के बाद इन आंकड़ों का मतलब क्या रह जाएगा। फिर तो वही होगा जो 2019 में हुआ, 373 से अधिक सीटों पर डाले गए वोट और गिने गए वोटों में कथित रूप से बड़ा अंतर पाया गया, मगर उसका रिजल्ट क्या निकला। इसी तरह से हाल ही में अनिकेत आगा ने RTI के माध्यम से पुडुचेरी में सवाल किया था कि हमें पोलिंग स्टेशन का नाम बताइए, मेल और फीमेल वोटर्स की संख्या बताइए, तो इस पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया कि पहले और दूसरे चरण का वेबसाइट पर दे दिया गया है, बाकी 5 चरणों का डाटा चुनाव समाप्त होने के बाद दे दिया जाएगा। भोजपुरी में इसी पर एक कहावत है कि आज मरे कल पाहुन आवे। सोचिए जब चुनाव खत्म हो जाएगा तो फिर इस देश की जनता, इस देश के पत्रकार, विपक्षी पार्टियां और उसके नेताओं को छोड़ दीजिए, तब भी आम आदमी उस आंकड़े को लेकर क्या करेगा, वो कैसे पता लगाएगा कि सब कुछ ईमानदारी से हुआ कि नहीं, और फिर चुनाव समाप्त होने के बाद आप मैच करवा कर भी क्या लेंगे, बहुत करेंगे अदालत में जाएंगे कहीं कोई गड़बड़ी मिली तो, और अदालत में तो 2019 के चुनाव को लेकर भी गए थे, क्या हुआ, 5 साल बीत गया, जिसको सत्ता का आनंद लेना था ले लिया, जिसको बड़ा सेठ बनना था बन गया, देश का जो बिकना था बिक गया, जो सवाल 2019 में उठे थे वो आज भी वैसे ही पड़े हैं, किसी का जवाब सामने नहीं आया। एक बार फिर से देख लीजिए, 5वें चरण के चुनाव के बाद भी चुनाव आयोग ने फाइनल डाटा नहीं दिया है, प्रतिशत वाला भी नहीं दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि 4 दिन बाद ही दिया जाएगा। 5वें चरण में अनुमानित मतदान का आंकड़ा 60.09% बताया जा रहा है, अब प्रतिशत वाला आंकड़ा तो 4 दिन बाद मिल भी जाएगा, मगर सवाल यह है कि 5 चरण के चुनाव हो गए, अब तक निर्वाचन आयोग ने एक भी चरण का एब्सोल्यूट नंबर यानी सीधे सीधे नंबर नहीं दिया कि कितने लाख वोटर थे या करोड़ थे, कितने लाख वोट कहां पर पड़े। इस मामले पर भारत के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त SY कुरैशी का कहना है कि चुनाव आयोग जो आंकड़े नहीं दे रहा है वो आंकड़े वोटिंग खत्म होने के 5 मिनट के भीतर चुनाव आयोग के पास आ जाते हैं। फिर से सुनिए, भारत के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त SY कुरैशी का कहना है कि चुनाव आयोग जो वोटिंग डेटा 11 दिन और 4 दिन के बाद प्रतिशत में दे रहा है, इसके अलावा एब्सोल्यूट नंबर नहीं दे रहा है, इसमें देरी का कोई कारण नहीं हो सकता, ये वास्तविक समय में चुनाव आयोग के पास उपलब्ध होता है, यानी वोटिंग वहां चल रही है, यहां पर धीरे धीरे आंकड़े उपलब्ध होते रहते हैं। यहां ध्यान रखिएगा कि SY कुरैशी उस समय निर्वाचन आयोग के प्रमुख थे जब चुनावी प्रक्रिया को तेज करने और इससे जुड़े हुए डेटा को पहले से कहीं ज्यादा तेजी से
सार्वजनिक करने के लिए ईवीएम की शुरुआत की गई। यानी ईवीएम की शुरुआत ही इसलिए हुई ताकि तेजी से सारे आंकड़े, सारा डेटा इस देश की जनता के पास चले जाएं और उनके भीतर लोकतंत्र को लेकर, डेमोक्रेसी को लेकर भरोसा बढ़े। अब समझने वाली बात यह है कि जिस मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने ईवीएम जैसी व्यवस्था को भारत में लागू करवाया, जिन्होंने इन सारी व्यवस्थाओं को चलाया है, जब वो कह रहे हैं कि 5 मिनट के भीतर पूरा डेटा चुनाव आयोग के पास हो जाता है और रियल टाइम में डेटा होता है, तो फिर ये कितनी संदेहास्पद बात है कि आज का चुनाव आयोग इतने बड़े स्तर पर क्या झूठ बोल रहा है? क्या इस देश की 140 करोड़ की आबादी को ठग रहा है, फ्रॉड कर रहा है? एक बात और ध्यान रखिए, जब मशीन हटाकर पेपर बैलेट से चुनाव कराने की बात उठी तो यही चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहता है कि बेमतलब समय की बर्बादी होगी। इसके अलावा जब यह कहा गया कि चलिए मशीन से ही चुनाव करवाइए मगर वीवीपैट की पर्चियां 100% गिन दीजिए, तब भी चुनाव आयोग ने कहा कि कई दिन का समय लग जाएगा। यानी वहां पर इसको समय बचाने की बड़ी चिंता थी, वहां समय बचाने की बात करता है और यहां मशीन होने के बावजूद वोटर टर्नआउट डाटा नहीं दे पा रहा है, इसमें इसको 11 दिन का समय लग जाता है, वो भी प्रतिशत में बता रहा है। सवाल यह भी है कि अगर तुम्हारे पास डाटा नहीं है, यानी आंकड़ा नहीं है, एब्सोल्यूट नंबर नहीं है, तो प्रतिशत कैसे निकाला तुमने? बिना एब्सोल्यूट नंबर के चुनाव आयोग ने प्रतिशत निकाला तो कैसे? इस आयोग के किस बात पर भरोसा किया जाए और किस पर न किया जाए समझ नहीं आ रहा है। एक समय पर समय बचाने का हवाला देकर बैलेट पेपर से पीछा छुड़ाता है और दूसरी तरफ अभूतपूर्व तरीके से लंबे समय में चुनाव होता है और उसमें भी 11 दिन बाद प्रतिशत में आंकड़े दिए जाते हैं। यहां एक बात और ध्यान दीजिए, टाइम्स इनसाइट ग्रुप के विश्लेषण के अनुसार चुनाव आयोग ने जो संशोधित आंकड़े दिए हैं उससे लगभग 1,07,00,000 वोट बढ़ गए हैं और ये आंकड़ा चौथे चरण के चुनाव तक का है। इसी के अनुसार यदि गणित लगाई जाए तो हर एक लोकसभा चुनाव क्षेत्र में 28,000 वोट बढ़ गए। अब जरा सोचिए, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में एक सीट 500 वोटों के भी कम अंतर से जीत गई थी। 28,000 के अंतर से कई सीटें जीत जाती, तो 28,000 सीटों के अंतर से कितनी सारी सीटों पर हार और जीत हो सकती है? ऐसे में क्या देश के हर एक नागरिक को इन मामलों पर संदेह पैदा नहीं होना चाहिए? आखिर कैसे सवाल न किया जाए? इस मामले को लेकर एडीआर प्रशांत भूषण के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। 17 मई को इस मामले पर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने यहां तक कहा कि जरूरत पड़ेगी तो रात भर सुनवाई करेंगे, मगर उनकी ये बातें कहीं ना कहीं अतिशयोक्ति दिख रही हैं। जरा सोचिए, जो आंकड़े चुनाव आयोग के पास 5 मिनट के भीतर आ जाते हैं, जो 17C उसके पास उपलब्ध है, उसको वो जनता के सामने क्यों नहीं रख रहा है? इस बात पर जवाब देने के लिए चुनाव आयोग को इस देश का सुप्रीम कोर्ट 7 दिन का समय देता है, 7 दिन का। इस मसले को एक छोटे से उदाहरण से समझिए कि मैं आज स्कूल नहीं गया, पिताजी आकर पूछे कि स्कूल क्यों नहीं गए, मैं कहूं कि 7 दिन का समय दीजिए, फिर जवाब दिया जाएगा कि मैं आज स्कूल क्यों नहीं गया, और पिताजी चुपचाप मुझे 7 दिन का समय दे दें ये जवाब देने के लिए कि आज मैं स्कूल क्यों नहीं गया। क्या ये बात आसानी से हजम होने वाली है? क्या चुनाव आयोग को उस दिन पता नहीं था कि वो सारे आंकड़े समयबद्ध तरीके से जनता के सामने क्यों नहीं रख पा रहा है? अब इस मामले में 24 मई को सुनवाई है, 25 मई को इस देश में 6वें चरण का चुनाव होना है। चुनाव आयोग के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया है कि हर एक निर्वाचन क्षेत्र से डेटा एकत्र करने में समय लगता है, क्योंकि कुछ निर्वाचन क्षेत्र दूर दराज के स्थानों पर है, मानो पैदल लेकर आना पड़ता है। तो सवाल यह है कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में भारत का क्षेत्रफल बढ़ गया है, 2019 तक सिकुड़ा हुआ था क्या? ये जवाब ठीक वैसे ही है जैसे चुनाव की घोषणा के वक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने लंबे समय तक चुनाव करवाने के सवाल पर जवाब दिया कि देश का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, नदी है, नाले हैं, जंगल है, पहाड़ है, मानो ये सब कुछ 2024 में ही पैदा हो गया, गूगल से डाउनलोड करके लेकर रख दिया गया, इसके पहले तो ये सब था ही नहीं। फॉर्म 17C को लेकर भी खूब सारे सवाल उठ रहे हैं। चुनाव आयोग से जब पूछा गया तो उसने कह दिया कि एजेंट को दे दिया जाता है, मगर समझने वाली बात यह है कि एजेंट को दे दिया जाता है इसका मतलब ये तो नहीं कि देश भर के सभी पत्रकारों और आम जनता को मिल जाता है। तमाम विपक्षी दलों के नेता, उनके उम्मीदवार, तमाम पत्रकार और देश की जनता चाहती है कि हमारे सामने सारे आंकड़े आएं, मगर चुनाव आयोग का अपना ही राग चल रहा है। यह एक बात और समझने वाली है। एक तरफ तो चुनाव आयोग का कहना है कि फॉर्म 17C पोलिंग बूथ एजेंट के पास उपलब्ध होता है और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के ही जाने माने अधिवक्ता महमूद प्राचा के साथ गजब का कांड हो गया। दरअसल उत्तर प्रदेश के रामपुर से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में महमूद प्राचा ने चुनाव लड़ा था, लेकिन अब इनका आरोप है कि रिटर्निंग अफसर ने वोटों के फॉर्म 17C का रिकॉर्ड देने से मना कर दिया। अब महमूद प्राचा एडीआर द्वारा दायर किए गए सुप्रीम कोर्ट के आवेदन के भीतर हस्तक्षेप करने की मांग कर रहे हैं और उसके माध्यम से चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट तुरंत भारतीय चुनाव आयोग को निर्देश दे कि फॉर्म 17C उनको उपलब्ध करवाया जाए जिससे पता चले वोटरों की संख्या के बारे में। इनका कहना है कि 30 अप्रैल को रामपुर में मतदान समाप्त होने के बाद इन्होंने रिटर्निंग अफसर को मतदान में पड़े कुल वोटों का मशीन वार डेटा उपलब्ध कराने के लिए लिखा था, जैसा कि फॉर्म 17C में दर्ज किया गया था, मगर 9 मई
को रिटर्निंग अफसर ने उन्हें जवाब देते हुए कहा कि फॉर्म 17C की प्रतियां उन पोलिंग एजेंटों को दी गई थी जो मतदान केंद्र पर मौजूद थे और अब महमूद प्राचा को नहीं दिया जा सकता क्योंकि वे सील बंद हो चुकी हैं। इस पर महमूद प्राचा का कहना है कि ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है कि फॉर्म 17C को सील बंद करके रखा जाए। उन्होंने दावा किया है कि चुनाव संचालन नियम 1961 के नियम 93 पर जिन दस्तावेजों को सील बंद स्थिति में रखे जाने की बात लिखी गई है उसमें फॉर्म 17C का उल्लेख है ही नहीं। इसके साथ ही उनका यह भी कहना है कि नियमों के अनुसार चुनाव के समापन के बाद फॉर्म 17C की प्रतियां निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अफसर के पास आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए। अब जरा सोचिए, महमूद प्राचा सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, कानूनी जानकार हैं, तो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, मगर इस देश में कितने उम्मीदवार हैं जो इन चीजों के बारे में जानते हैं और कितने लोग हैं जो इन चीजों के बारे में जानते हैं और उनमें से कितने हैं जो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या जाएंगे और कितनों को रियायत मिलेगी, इनमें कुछ कहने सुनने की बात बची नहीं है। इस मामले पर महमूद प्राचा ने लिखा है कि इन कपटपूर्ण गतिविधियों का मूल कारण बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत से ईवीएम का उपयोग है। इसलिए यदि आप वास्तव में संविधान और लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं तो कृपया हमारे अभियान में शामिल हों और पेपर वैलेट को वापस लाने की बात करें। ये शांतिपूर्ण अभियान केवल सोशल मीडिया और अदालतों पर ही नहीं बल्कि सड़कों पर भी होना चाहिए। पहले चरण के रूप में कृपया इस लिंक पर क्लिक करें, हस्ताक्षर करें। यहाँ देश भर के लोगों से इन्होंने हस्ताक्षर अभियान के तहत ईवीएम के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की है। उधर सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ अधिवक्ताओं में से एक प्रशांत भूषण ने रिटर्निंग अफसरों को चेतावनी दी है और लिखा है कि सभी रिटर्निंग अधिकारी जो आमतौर पर स्थानीय जिला मजिस्ट्रेट होते हैं जिन्हें मतगणना के दौरान गलत परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया गया है उन्हें याद रखना चाहिए कि चुनाव परिणामों के साथ छेड़छाड़ करना एक गंभीर अपराध है जिसके लिए वे अपनी सरकारी नौकरी खो देंगे और मुकदमा चलाया जाएगा। इस पर पत्रकार प्रेम कुमार लिखते हैं कि काउंटिंग के लिए तैयार रिटर्निंग अफसर सावधान, आका का निर्देश माने तो लंबे समय तक जा सकते हैं जेल, गलत चुनाव नतीजे घोषित करने का होगा बुरा परिणाम, चुनाव नतीजों से छेड़छाड़ गंभीर अपराध है, नौकरी भी जाएगी, सजा भी मिलेगी। आगे प्रशांत भूषण लिखते हैं कि प्रधानमंत्री और सत्ताधारी दल द्वारा आचार संहिता के घोर उल्लंघन की अनुमति देने से लेकर वोटर लिस्ट से नाम हटाने, मतदाताओं को वोट देने से रोकने, मतदान प्रक्रिया को धीमा करने, वोटों की गिनती का खुलासा न करने, ईवीएम कैप्चरिंग तक लोकतंत्र को हराने के सारे जुगाड़ लगाए जा रहे हैं। एक लचीला चुनाव आयोग खड़ा है, सरकार बदलने के बाद सभी को हिसाब देना होगा। वैसे जब अधिकारियों की बात हो ही रही है तो पूरी कर लेते हैं, इस खबर को देखिए। बताया जा रहा है कि बिहार के मुजफ्फरपुर में चुनाव ड्यूटी से 62 पीठासीन अधिकारी तथा 144 मतदान कर्मी गायब रहे। अब इनके खिलाफ शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। समझने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी संख्या में जब अधिकारी और कर्मचारी गायब रहे तो चुनाव किस तरीके से हुआ होगा। इनके अनुपस्थिति में यदि कोई घपलेबाजी हुई हो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। उनकी वजह से चुनाव पर जो असर पड़ा होगा उन सब के लिए जिम्मेदार कौन ठहराया जाएगा। क्या भारतीय चुनाव आयोग साफ सुथरा चुनाव कराने में सक्षम है। क्या उसके अधिकारी अपनी जिम्मेदारियां निभा पा रहे हैं। यदि आपके मन में ये सवाल है तो इस खबर को देख लीजिए। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग तय समय में टीएमसी की शिकायतों को सुनने में पूरी तरह से फेल रहा है। अदालत निषेधाज्ञा आदेश यानी स्टे पारित करने के लिए बाध्य है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने टीएमसी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी, ऐसी ऐसी बातें कही थी जो पूरी तरह से आचार संहिता का उल्लंघन है। अब कलकत्ता हाईकोर्ट ने भाजपा को अगले आदेश तक टीएमसी के खिलाफ किसी भी प्रकार के अपमानजनक विज्ञापन प्रकाशित करने पर रोक लगा दी है। आप लगातार देख रहे हैं, कर्नाटक से लेकर अलग अलग राज्यों में भारतीय जनता पार्टी लगातार विपक्षी पार्टियों और उनके नेताओं को बदनाम करने के लिए आपत्तिजनक और झूठे वीडियो नियमों के विरुद्ध जाकर विज्ञापन प्रसारित कर रही है। कभी वीडियो के माध्यम से, कभी पोस्टर के माध्यम से, तस्वीरों के माध्यम से। कार्यवाही तो चुनाव आयोग को करनी चाहिए मगर होता नहीं है। आप सब जानते हैं कि चुनाव आयोग किसी और की ड्यूटी बजा रहा है, शायद इसीलिए भाजपा के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर पा रहा है। जबकि आम आदमी पार्टी के एक गाने में कोई मामूली सी चीज मिल गई तो वहां पर चुनाव आयोग तुरंत हरकत में आ गया। यानी इतना तो तय है कि चुनाव आयोग सब कुछ देख रहा है, आंखों पर पट्टी नहीं बंधी है, अंधा भी नहीं हुआ है, सब कुछ देख रहा है, सब कुछ सुन रहा है, मगर एक्शन केवल विरोधियों के खिलाफ, भाजपा के विरोधियों के खिलाफ ले रहा है। आप सब देख रहे होंगे इन दिनों आपके मोबाइल फोन पर भी चुनाव आयोग लगातार मैसेज कर रहा है, व्हाट्सएप और मैसेज दोनों के माध्यम से कह रहा है कि अपनी नागरिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करिए, अपनी जिम्मेदारी निभाइए, लोकतंत्र को मजबूत करिए, वोट करिए। यानी चुनाव आयोग जनता को जिम्मेदारी निभाने के लिए कह रहा है और खुद किस तरीके से जिम्मेदारी निभा रहा है देखिए, सब कुछ आपके सामने है। अभी कलकत्ता हाईकोर्ट ने भाजपा के खिलाफ इतना बड़ा तगड़ा आदेश दिया, चुनाव आयोग को लताड़ लगाई। एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है और दूसरी तरफ भाजपा नेता अमित शाह उसी पश्चिम बंगाल में जाकर क्या कर रहे हैं उसे भी देखिए। ऑल न्यूज़ के अनुसार 10 मई को पश्चिम बंगाल के वीरभूम में भाषण दे रहे थे।
उन्होंने कहा कि माँ माटी मानुष का नारा देकर ममता जी बंगाल की मुख्यमंत्री बनी और अब तुष्टिकरण के चक्कर में नारा हो गया है मुल्ला मदरसा और माफिया, इसमें बदल गया है। मुल्लाओं को पूरी आज़ादी दे दी गई, मदरसों को हमारी संपत्ति दे दी गई और माफियाओं को खुलेआम गरीब आबादी को लूटने की इजाज़त दे दी गई। ममता बनर्जी ये चीज़ें भविष्य में काम नहीं करेंगी, यानी सीधे सीधे भाजपा नेता अमित शाह पश्चिम बंगाल में जाकर चुनावी आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हुए देखे जा सकते हैं, सुने जा सकते हैं। ये अलग बात है कि चुनाव आयोग इन सारी चीज़ों को अनसुना कर रहा है, देख ही नहीं रहा है, या फिर उसको पहले से ही मालूम है, उसी लिए अधिकारियों को बैठाया गया है कि हम जो भी बोलेंगे तुम उस पर कुछ मत बोलना, वरना बोलने लायक नहीं रह जाओगे। और शायद जो बोलने लायक थे उन्हें पहले ही निपटा दिया गया। आनन फानन में चुनाव से पहले दो आयुक्तों की नियुक्ति कैसे हुई ये आप सबने देखा ही है। एक तरफ ये सारी पैंतरेबाजी चल रही है, दूसरी तरफ एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है जो कई मायनों में डराने वाली भी है। आपको याद होगा अमेरिका में जब पिछला चुनाव हुआ था जिसमें जो बाइडन जीत गए ट्रंप हार गए, तो ट्रंप और उनके समर्थकों को हार बर्दाश्त नहीं हुई, पूरी तरह से पगला गए और इन लोगों ने अमेरिकी पार्लियामेंट का कबाड़ा कर दिया। पूरी दुनिया ने देखा कि खुद को सबसे बड़ा लोकतंत्र बताने वाले देश में क्या कुछ हुआ। अब जरा अपनी स्क्रीन पर इस खबर को देखिए। संसद की सुरक्षा में सीआरपीएफ के 1400 जवानों को हटा दिया गया है और अब दोगुने से भी ज्यादा यानी 3300 जवान सीआईएसएफ के संसद की सुरक्षा में लगा दिए गए हैं। इस खबर के सामने आने के बाद लोग तरह तरह की आशंकाएं जता रहे हैं कि आखिर प्लानिंग क्या है। 4 जून नजदीक है, जल्द ही चुनाव परिणाम आने वाले हैं। बहरहाल संसद की सुरक्षा जरूरी है, लेकिन ऐसे समय में अचानक से सुरक्षा कर्मियों की संख्या दोगुने से भी ज्यादा कर देना कहीं ना कहीं सवाल तो पैदा करता ही है। बहरहाल 5 चरण के चुनाव पूरे हो चुके हैं, 6ठा चरण और 7वां चरण बाकी है। देखिए ये चुनाव 7 ही चरण में समाप्त हो जाता है या फिर कुछ और चरण बढ़ जाते हैं। फिलहाल चुनाव आयोग की तमाम हरकतें स्पष्ट रूप से बता रही हैं कि उनकी नज़र में इस देश की जनता की हैसियत क्या है और संवैधानिक अधिकारों का मोल क्या है। चुनाव आयोग की इन हरकतों पर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ये आपकी नागरिक जिम्मेदारी भी है और नैतिक तो है ही, ताकि लोग जागरूक हों। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।